इस वीडियो के अंदर गाइस आपको दिखाएंगे 70,000 रुपीज का पीसी बेल्ट एंड बात करेंगे इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में जिन जिनका इस पीसी बेल्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। सो गाइस वीडियो एंड तक देखते रहना। वेलकम बैक टू मॉडिक्स क्रिमिनल्स, मेरा नाम है सार्थक एंड इस पीसी बेल्ट को ऑर्डर करना हमारे रोहित भाई ने जो कि रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र में हम लोग इस पीसी बेल्ट को भेजने वाले हैं। एंड जैसे कि 70,000 का पीसी बेल्ट है तो इसमें बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो है ग्राफिक्स कार्ड कस्टमर के पास पहले से ही है, तो वो मतलब बाद में एड ऑन जो है यहाँ पर अपने पीसी बेल्ट के अंदर कर लेंगे जब उनके घर पर उनका पीसी पहुंच जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो इन फ्यूचर यहाँ पर लगाने वाले हों। क्लियर कट तो थोड़ा सा टीम को ही पता रहता है, ठीक है, बाकी मेरा काम थोड़ा वीडियो बनाने का ज़्यादा रहता है एंड टीम जो है वो बाकी की चीज़ों को हैंडल करती है। बाकी आपको भी ऐसी कोई कमाल का पीसी बेल्ट करवाना हो, हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं, तो स्क्रीन पर आपको हमारे नंबर्स देखने को मिल जाएंगे 7011805001 और 9403109020 ऊपर वाले नंबर पर कॉल व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो, नीचे वाले नंबर पर सिर्फ जो कॉलिंग अवेलेबल है एंड हमारी सेल्स टीम से आप बात कर सकते हो, वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर गाइड कर देगी आपके बजट एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा पीसी बेल्ट आपको करना चाहिए। बाकी आप डायरेक्टली जा सकते हो वेबसाइट के ऊपर modxcrimdos.com हमारी वेबसाइट है जहां पर कि आपको कस्टम पीसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहां पर कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चेकआउट वाले पेज पे ओनली 10% का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि 10% पे करके आप अपनी पीसी की बुकिंग कर सकते हो, रिमेनिंग 90% आपसे जो है बाद में जब आपका पीसी बिल्ड हो जाता है फोटोज वीडियो शेयर कर देते हैं, देन बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बिफोर शिपिंग जो है आपको यहां पर करनी होती है, तो काफी इजी एंड सिंपल प्रोसेस वहां पर हो जाता है। इसके अलावा आप डायरेक्टली आप कहते हो कि सार्थक भाई मैं तो आपके स्टोर को विजिट करना चाहता हूँ एंड अपने सामने पीसी बेल्ट कराना चाहता हूँ, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आ सकते हो हमारे दिल्ली के अंदर, आपको हमारे स्टोर देखने को मिल जाएगा नेहरू प्लेस के अंदर 205 सेकंड फ्लोर राजहंस बिल्डिंग हमारा एड्रेस है, तो ऑफलाइन स्टोर को विजिट करें, सारी डिटेल्स गूगल लोकेशन लिंक सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब चले गए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे प्रोसेसर के बारे में, इंटेल के कोर i5-13500 प्रोसेसर का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है, ओवरऑल एक काफी बढ़िया सीपीयू है गाइस यहाँ पर, एंड हालांकि 14 जनरेशन आ गई है बट स्टिल भाई ये सीपीयू जहाँ पर स्टैंड करता है भाई उस हिसाब से जो ये वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर ऑफर करता है भाई काफी जबरदस्त। यहाँ पर आपको 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको 13600K एंड 14600K में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट आपको उतना स्पेंड नहीं करना है, आपको ओवरक्लॉक भी नहीं करना है, बट आपको कोर थ्रेड काउंट उतना ही चाहिए और नॉन की सीपीयू चाहिए, तो आप जो इसके साथ में यहाँ पर जा सकते हो, परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है काफी बढ़िया मिलती है एंड स्पेशली अगर आप एडिटिंग जैसा काम यहाँ पर करते हैं तो भाई काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा मदरबोर्ड इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर पेयर करा MSI की तरफ से उनका प्रोज B760MA वाईफाई DDR5 मदरबोर्ड, ये DDR5 वाला वर्जन हम लोगों ने इस मदरबोर्ड का यहाँ पर यूज करा है जो कि परफेक्ट रहेगा हमारे इस प्रोसेसर के हिसाब से, और जैसे कि प्रो लाइनअप के अंदर यहाँ पर आ जाता है तो VRM सेक्शन हमें यहाँ पर जो है काफी अच्छा मिल जाता है जो कि हमारे 13500 प्रोसेसर को अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंडल कर लेता है। अच्छा गाइस यहाँ पर हम लोगों ने जो लिक्विड कूलर यूज करा है इसके साथ में, हालांकि स्टॉक कूलर मिलता है बट मैं रिकमेंड करूंगा भाई बिल्कुल यूज मत करना, उसके ऊपर काफी हॉट रन करेगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो डीप कूल की तरफ से उनका LE520 ब्लैक वाला वर्जन इस लिक्विड कूलर का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है जो कि मतलब हमारे 13500 प्रोसेसर को अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंडल कर लेता है। एंड देख सकते हो टॉप पर हम लोगों ने यहाँ पर इस रेडिएटर को माउंट करा है, आपको इस टाइप से जो चारों तरफ रिंग काइंड ऑफ जो ARGB है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, डीप कूल का लोगो मिल जाता है, ओवरऑल एक अच्छा लिक्विड कूलर है जो कि 13500 के हिसाब से एकदम सही रहेगा। अच्छा रैम के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो सिंगल स्टिक अभी यूज करी है, थोड़ा हो सकता है बजट इश्यूज हो हमारे कस्टमर को, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है XPG की तरफ से उनकी लैंसर RGB 16GB की सिंगल स्टिक का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है जो कि 6000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है, और मतलब 16GB अभी फिलहाल तो ये है कि अगर हालांकि डुअल चैनल में लगाते हैं तो परफॉर्मेंस जो वो काफी बढ़ जाती है, तो बाद में जब उनका बजट यहाँ पर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वो यहाँ पर एक और स्टिक ले लेंगे। अच्छा एक चीज और, जैसे कि हमारा जो 13500 प्रोसेसर है तो इसमें क्या है कि ये क्योंकि नॉन एफ सीपीयू है तो हमें डिस्प्ले बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी यहां पर मिल जाती है जिसमें कि कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आती, आप इसको आराम से यहां पर जो है यूज कर सकते हो। हाँ ये है कि आप जो है मतलब कोई गेमिंग वगैरह हैवी यहां पर नहीं कर पाओगे, आप बहुत लाइट वाले जो गेम्स है वो एक बार को आप फिर भी इसके ऊपर चला लोगे, जो हमारे सिंगल प्लेयर गेम्स रहते हैं जो हमारे FPS गेम्स यहां पर रहते हैं फर्स्ट पर्सन शूटर जो कि जैसे कि आपका CS:GO हो गया, वैलोरेंट हो गया, आपके इस टाइप के जो बहुत लाइट वेट गेम्स रहते हैं वो आप इसके ऊपर चला सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज यहां पर
आपको नहीं आएंगे। बाकी ये है कि बाद में ग्राफिक्स कार्ड लगा लेंगे तो उनको जो इन फ्यूचर यहाँ पर परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी बढ़िया मिल जाएगी। बात करें इस यहाँ पर हमारी SSD के बारे में, तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी WD की तरफ से उनकी SN850 1TB की Gen 4 M.2 NVMe SSD। इसके अंदर विंडोज नेसेसरी ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालने के बाद भी अच्छी खासी स्टोरेज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब इन सब कंपोनेंट्स के हिसाब से यहाँ पर जो हम लोगों ने पावर सप्लाई यूज करी है, ये आ जाती है डीपकूल की तरफ से उनकी PM750D पावर सप्लाई, जो कि इंश्योर रखेगी कि अभी तो मतलब ये है कि अभी ग्राफिक्स कार्ड तो इसके अंदर है नहीं, बट जब इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड लगेगा तो वहाँ पर भाई कोई भी कमी महसूस ना हो, आराम से जो है कोई भी ग्राफिक्स कार्ड अगर लगाना हो तो बड़े आराम से हम यहाँ पर चला लें। तो इसलिए 750 वाट की पावर सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पर ली है, मतलब कि यही है कि आप अगर 4070 Ti तक भी अगर इस PC में लगाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 750 वाट के ऊपर बड़े आराम से यहाँ पर चला लोगे। एंड PM750D 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आ जाती है इस पावर सप्लाई का हम लोगों ने यहाँ पर जो यूज करा है। बढ़ते गए इस बात करते हैं फाइनली यहाँ पर हमारी कैबिनेट के बारे में। सो कैबिनेट हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है गीगाबाइट की तरफ से उनकी C301 ग्लास ब्लैक वाला वर्जन, ब्लैक व्हाइट दोनों वर्जन में आती है। फ्रंट में आपको 3 प्री इंस्टॉल ARGB फैन विद मेश यहाँ पर आपको मिल जाती है, रियर में आपको एग्जॉस्ट के लिए एक फैन मिल जाता है, तो परफेक्ट एयर फ्लो आपको जो है कैबिनेट के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और गाइज यही है हमारा पूरा 70,000 का PC बिल्ड। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने फेस्टिव टाइम में यहाँ पर PC लिया है तो फ्री गिफ्ट तो उनको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा, तो उनको यहाँ पर मिला एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से उनका KM540 वाला जो गेमिंग कॉम्बो है वो उनको यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिला इस PC के साथ में। तो बेनिफिट्स तो मिलते हैं गाइस फेस्टिव टाइम पे यहाँ पर, और चल भी रहे तो क्यों ना दें हम यहाँ पर अपने कस्टमर को। बाकी गाइस यही था 70,000 का PC वर्ल्ड, आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड बाकी आपको पता ही है कि आपको अगर हमें कॉन्टैक्ट करना हो तो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी वेबसाइट की लिंक, हमारे ऑफलाइन स्टोर की गूगल लोकेशन लिंक, सब कुछ आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे ऐसे और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के PC वर्ल्ड के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।